DHM Music presents DHM Music। हर नगरी में छोटा मोटा जरूर पा जाएगा कोई न कोई मन बहलानिया, पर कवि कवि कभी कभी कहीं कहीं जन्म लेता है। कवि हर नगरी को हर धरती को नसीब नहीं होता। मानना है कि आज तक जो दिवाली मनी वह पूरी मनी है नहीं, हर एक दिवाली अधूरी रही। दुर्भाग्य देखना है इस हिंदुस्तान का, अरे दादा परदादा हर जीवन बिता गए सरकारी छुट्टी हो सके दिवाली की। हाँ भाई, दिवाली की छुट्टी क्यों है कि इस दिन भगवान रामचंद्र जी अयोध्या वापिस आए थे अपने घर वनवास काट के, सब नए बेरा से छुट्टी हो दशहरे की। हाँ भाई, क्यों हो सके कि इस दिन भगवान रामचंद्र ने रावण का वध किया था, अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। न्यू मनाई जा सक, कितने साल बीत गए। अरे पाछ न्यू बेरा पाटिया रामड़ा होया भी था ना, कोर्ट में केस चल रहा, रामड़ा होया भी था नहीं। और दादा परदादा कितने साल बीत गए दिवाली की छुट्टी क्यों, बोले राम घर आया था। और कोर्ट नहीं हो बुझ राम होया भी था ना, देख कि सा देश से कोर्ट में केस ई फैसला होया ई बदालत ने मान्या, बोले हाँ अब पता लग गया कि राम तो यही हुआ था। क्या बोल लगाए हैं, क्या लिखा ये जी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, अरे इस्लाम भी कार्रवाई का, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला इस्लाम भी कार्रवाई का। अरे सही माने में मने दिवाली जब भवन बन रघुराई का, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला का। सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला इस लंबी कार्रवाई का, सही दिवाली ईब मने जब भवन बने रघुराई का। पहले नंबर पे क्या लिखा, धर्म सनातन अनंत कहे से हो, और धर्म सनातन अनंत कहे से शुरू से चलता आया था, कर्मों के अनुसार यहाँ जीवों का मेल मिलाया था, कर्मों के अनुसार यहाँ जीवों का मेल मिलाया था। वो त्याग तपस्या दान भजन से भव सागर पार बताया था, बहुत हुए अवतार अड़े जब धर्म पर खतरा छाया था, बहुत हुए अवतार पूरा धर्म पर खतरा छाया था। अरे सारा देश बने साक्षी, सारा देश बने साक्षी इस धर्म की नीम धराई का, सही मायने में बने दिवाली जब भवन बने रघुराई का। सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला इस लंबी कार्रवाई का, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला पांच
पांच जजों की एक बेंच ने इतने सालों के गहन अध्ययन के बाद, रमन भाई आपने तो सुना होगा फैसला, शास्त्री जी फैसला 1400 कुछ पेज का फैसला आया। अगर कोई बुद्धिजीवी लोग उस 1426 कुछ इतने पेज हैं, उस सारे फैसले को जरा गहराई से पढ़ कर देखना, ये ईश्वर का फैसला है। और जैसे जैसे ईश्वर नहीं किया हो, ईसा फैसला है। हर ना तो ओट देश बसे थे केवरा कितने के शर उतरने दे, ईसा फैसला था केवरा कितना बड़ा दंगा होना था। पर देखो थोड़ा सा मैंने उसका अध्ययन किया, मैंने कहूं पांच हो दो पीले उस मानस का कितनी बुद्धि रही होगी उन लोगों में जो इतने देश में और इतना बड़ा फैसला इतनी शांति से गुजार दिया और कान का खुड़का भी ना होया। फैसले में पहली लाइन थी कि किसी की भी धर्म और आस्था को मद्देनजर रख के कोई फैसला नहीं होगा। कितना गहरा शब्द था कि किसी की भी आस्था और धार्मिक विश्वास के बल पर ये किसी का फैसला नहीं होगा। शिया सुन्नी दोनों का न्यारा न्यारा हक था, उन माँ के एक पकाटा मार दिया, नहीं बोले भाई थारा गलत है। अरे जो हिंदुओं का अखाड़े का जो आंख जो पेश कर रहे थे अखाड़े वाले काटा मार दिया, नहीं बोले तुम भी गलत हो। जुलम देखो कितना गहन अध्ययन किया, कुरान का भी अध्ययन कराया और सारे संथाले सन इतने मड़ न्यू था, सन इतने में न्यू था। और कुरान कहती है कि कहीं कब्जा करके बनाए अगर वो मस्जिद बनाई जाती है तो उसको मान्यता नहीं है। और इतना बढ़िया न्यू बेरा नहीं वे बुला लिए पुरातत्व विभाग वाले, ये बयान उनका थाक दवा दिया गा दवा दिया जब भी ठीक होया। पुरातत्व विभाग ने ये कहा कि ऐसा कोई भी अवशेष नहीं मिला कि आड़ मंदिर तोड़ा गया हो, फूंक काट दी सारियांगी, मतलब झूठा कब्जा दिखा दिया हिंदुओं का भी कि आड़ कोई अवशेष नहीं मिला अगर मंदिर तोड़ा गया हो। और उनके अंत भी ईसा दिया, नहीं बोला ईसा भी कोई अवशेष नहीं मिला जो निषिद्ध हो जाए मस्जिद थी, वे भी झूठे साबित कर दिए, बथारा भी झूठा है। यहां एक बिल्डिंग मिली, नीचे खंभों से पता लगा जिसके खंभे तो मंदिर जैसे थे और जिसकी छत कुछ अजीबोगरीब किस्म की थी, अनकंप्लीट इस्लामिक बिल्डिंग, ये जज ने नाम लिख के दिया है ए अनकंप्लीट इस्लामिक बिल्डिंग के इस्लामिक बिल्डिंग है, वह भी पूरी नहीं है। फिर यह धरती किसका नाम हो, क्योंकि कोई किसके नाम हो, फिर के था क्यूकर था, फिर निवला फाई आना आया था सन इतने में, फलाना आया था सन इतने में, उनकी बुक्सों को खंगाला गया। और फिर जजों ने कहा कि उनकी बुक्स बताती है ना तो यहां मंदिर था ना मस्जिद था, निवला फिर के था के हर एक विद्वान की किताब और उनका मैप इस जगह को दर्शाता है राम जन्मभूमि के। जो विदेशी नागरिक घूमने आए थे उन भी जो मैप बनाया भारत का जो बुक लिखी, उन्होंने इस जगह को राम जन्मभूमि कहा, नाड़ मंदिर बताना मस्जिद। हमें फिर यह किसका नाम हो, बोले भैया हो राम लला का नाम, फिर बॉडी तो हाजिर नहीं है, इंतकाल किसका नाम उतरे। देख इंतकाल भी किसा कराया है जमीन का, ये जमीन ये निश्चित हुआ कि ये राम जन्मभूमि है, ये सिद्ध हुआ। और ये जमीन का टुकड़ा श्री राम लला के नाम होगा जो हाजिर नहीं है, राम लला हाजिर नहीं है, राम लला विराजमान शब्द लगा दिया, राम लला जो विराजमान है हाजिर नहीं है, या सारी जमीन उसका नाम उतरेगी। एक बार उन जजों के नाम की ताली बजाओ जो सारा हिंदुस्तान शांति में भी रहा, फैसला भी हो गया और दोनों वर्ग खुश हुए। देखिए जजों के सामने जब दोनों पक्ष गए कि जी यहां मंदिर था यहां मस्जिद था, मस्जिद थी, जज ने कह कहा नहीं बोला सिद्ध करो, आम के हड़ा बात जैसे जब पियो ऐसे भाई सिद्ध कर दो, चाहे तम कर दो चाहे तम कर दो। सिद्ध करा जजों ने, कैसे, कुरान को भी पढ़ा, वेद शास्त्रों को भी, पुराणों को भी पढ़ा, के लिख दिया दूसरे नंबर पर क्या कहा,
कोरट ने भी मान्या से रे कोरट ने भी मान्या से जो वेदों में बतलाई जी दशरथ के घर जन्म राम का थी कौसल्या माई जी दशरथ के घर जन्म राम का थी कौसल्या माई जी वशिष्ठ गुरु थे रामचंद्र के जनक नंदनी ब्याही जी भीष्म अवतार अयोध्या आके कला दिखाई जी भीष्म अवतार अयोध्या आके कला दिखाई भीष्म अवतार अयोध्या आके कला दिखाई जी डंके की चोट पवन गा मंदिर ना फादा आखराई गा भवन भर रघुराई का आज का कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे डीएचएम म्यूजिक कंपनी भाई 100 रुपए से मान सम्मान और सजाई करते हैं। 2-4 दिन में कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर होगा, जो साथी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। बार बार धन्यवाद। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा धाम विकसित होने को अयोध्या जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तुम सब जाओगे भी देखोगे भी कैसा भवन बनेगा, उड़ा किसी इमारत पाओगी किसा नक्शा से उड़ेगा, न्यू का न्यू बनेगा किसा। तो मंजिल में भवन राम का हो तो मंजिल में भवन राम का नीचे लागेगा दरबार 212 खंभे लागे पत्थर लागे भारू भार 212 खंभे लागे पत्थर लागे भारू भार ऊपर दजा फराती रहेगी धर्म सनातन पहरेदार बाग बगीची एक ओढ़ने फूल खेलेंगे बेसुमार बाग बगीचे एक ओढ़ने फूल खेलेंगे बेसुमार ओए कर्म की गल्या कर्म की गल्या फल हो से फल हो से ये बनता मन की चाई का सही मन के मन जवाली जब भवन बन रघुराई का मेरा सुपर को ने दिया फैसला सलामी कार्रवाई का मेरा सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला सलामी कार्रवाई का मेरा सही मन के भवन जब भवन बन ये नफरत का जहर यहाँ आके ये जो आमना बेड़ाव है और मारे ऊपर राजग्रह है ये और या नफरत फुलानिया और कोई नहीं है। आखिरी कली में देखिए कितना सुंदर संदेश उस छोटे से बच्चे ने इस सारे देश को दिया, शायद को बड़ा भी ना दे क्या कह दी आखिरी कली में बोछे मुस्लिम
सब ईश्वर की है संतान, सात पात सब करी से हमने, उसकी रचना है इंसान। अरे सबका खून मिला माटी में, हम सबका यो हिंदुस्तान। ले तू मेरी गीता पढ़ ले, मैं पढ़ लूंगा तेरी कुरान। ले तू मेरी गीता पढ़ ले, मैं पढ़ लूंगा तेरी कुरान। दादा जगन्नाथ की मेहर फेरी, जगन्नाथ की मेहर फेरी, जो गुण दे गया कविताई का। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.